मनुवादी सरकार है वो 85% जो जनता है उसका भला नहीं चाहता। उनकी पॉलिसी सिर्फ एक ही है, इन्हीं को दबा के रखना है। जो कोई बोलता, आज की तारीख में पूरे इंडिया पे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, कोई भी आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है, कोई भी आवाज़ उठाता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा उस लड़की के साथ क्लियरली हुआ क्या है। उस लड़की के साथ उच्च जाति के लोग लड़कों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसके जननांग में डंडा घुसेड़ दिया गया, और ये निर्भया कांड से कम नहीं है। निर्भया एक ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए पूरी दिल्ली और पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। ये प्रजापति की बेटी है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन इवन उसके 164 के बयान तक नहीं कर पाए हैं। उन लड़कों को अरेस्ट नहीं किया गया है, मेडिकल डॉक्टरों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है। इतनी सीरियस हालत होते हुए भी उस लड़के को डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्या है ये, सब कुछ मिले हुए हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते हमारे उसमें। लेकिन सर ये फिर बहुजन समाज की जब बात आती है तो आज एक इस प्रजापति बिटिया के साथ ऐसा कांड हुआ है, सुमित्रा के साथ ऐसा कांड हुआ है, तो और बहुजन आगे क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? सर ये सभी साथ हैं हमारे, यादव साहब भी आपने वंश से बोलते सुने होंगे। दूसरी बात ये है कि कोई ना कोई संस्था तो बीड़ा उठाती है जी। तो प्रजापति समाज की संस्था ने बीड़ा उठाया है, चाहे वो अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सब लोग साथ हैं। हम सब लोग आए हुए हैं, हर समाज से रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, हर एक कोई साथ है। सिर्फ बैनर प्रजापति समाज का लगा हुआ है। आपकी बात को मैं क्लियर कर दूँ, जो BHU में हमारी बेटियों के साथ हुआ है उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई है। आप हमारे फेसबुक पे जाके देख लीजिए, और जल्द ही हम उसके खिलाफ भी आंदोलन यहीं पर करेंगे, और वो रिपब्लिकन सेना के थ्रू करेंगे या ये मान लीजिए बहुजन के साथ मिलकर करेंगे। अभी वकील साहब कल परसों का एक फेसबुक में देखा होगा और फेसबुक में पढ़ा होगा, मेरे पास कागज नहीं है, आज भी कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग, अभी फेसबुक में आया कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, कल परसों के एक पेपर में है। ये बिल्कुल गलत है, ये वही ब्राह्मणवादी मानसिकता है, उसी की उपज है सिर्फ। ये आज की तारीख में मैं कहना नहीं चाहूँगा, धार्मिक मामला है। जो कुछ ये रामलीला दिखाई जाती हैं, किस लिए दिखाई जाती हैं? कि आप उन्हीं के सोच के अनुसार सोचो जी। कुछ नहीं है ये, सिर्फ उसी सोच के अनुसार आप सोचिए, और वही चीज़ें दिखाई जाती है। इसके पर पीछे पर्पज भी है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रहने वाले हैं, फिर ये क्यों? और ऐसे ही लोग, उनको ताकत मिलती है इन बातों से, जो आप बता रहे हो फेसबुक पर जो आया है उससे ताकत मिलती है इन ताकतों को। सर आपका नाम? मेहरचंद प्रेमी।